ये कहानी हर उस बच्चे की है जो भारत के हर एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने परिवार के साथ पुराने डब्बे वाली टीवी पर नई दिल्ली से इंडियन आर्म फोर्सेस के परेड, देश की सांस्कृतिक विरासत और मिलिट्री के वो विशाल मशीन और शक्तियों को देखकर बड़ा गर्व से मेरा भारत महान बोलने की वजह जानता और समझता। हमें भी कभी ऐसा मौका नहीं मिला उस भीड़ में शामिल होकर अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाने का। दिल्ली तो नहीं, पर हाँ चेन्नई में हर साल मरीना बीच में रिपब्लिक डे परेड होता है, तो बस हमने भी ठान लिया कि शुरुआत यहीं से ही सही। मैंने अपनी लाइफ में कभी परेड नहीं देखा रिपब्लिक डे के दिन, और सोचा क्यों ना, मौका है, वक्त है, तो इस बार देख ही लेते हैं, वो भी चेन्नई में। सीन कुछ ऐसा हो रखा है कि यहाँ अंदर तक पब्लिक व्हीकल्स अलाउड नहीं है, और अभी मैं सोचा था कि 6 बजे तक शुरू हो जाएगा परेड, बट ऑनलाइन में तो यही कह रहा था, पर अभी पुलिस लोगों से पूछा तो डिसाइड कि भाई अराउंड 8 शुरू होने वाला है, तो कोई नहीं, मज़े मज़े में जल्दी जल्दी में आ गए। अपना एक चस्का होता है, उसका भी रिहर्सल चल रहे हैं, और लगभग 8 बजे शुरू हो जाएगा परेड। तो बगल में ही तो मरीना बीच है, तो आई थॉट कि चलो शुरुआत बीच से ही करते हैं। पहली बार मैं यहाँ चेन्नई के साथ आया था, लेट्स सी सुबह सुबह क्या व्यू होता है यहाँ पे। I get a little bit breathless, my thoughts are too big, can I get some comfort please? I guess I should have been honest, a break to my heart, it's weighing me down baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. तो चलो, it's almost 8. मैंने बहुत सारे लोगों से भी बात करा बीच में, एंड अभी ऑलमोस्ट 8 बजने को जा रहा है, तो लेट्स हेड ऑन टू द ग्राउंड। चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है, जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है, रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है, तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। चेन्नई में जितना भी एंजॉय कर लो, जितना भी घूम लो अच्छे मज़े से, बट एक चीज़ हमेशा दिक्कत करेगी, वो है ये धूप, ये नहीं छोड़ने वाली पीछा। तो इसलिए थोड़ा हमने मिक्स्ड फ्रूट लाया, अभी खा के फिर चलते हैं रूम पर।